नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबी गंगा। सबसे पहली खबर दिल्ली एनसीआर से आ रही है, जहां पर दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिला। जगह जगह जलभराव हो रहा है। नोएडा में जलभराव में फंसे कई वाहन। गाजियाबाद में नगर आयुक्त के घर भरा पानी। तो नोएडा एनसीआर से दिल्ली एनसीआर, या फिर हम कहें उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। बारिश से हर जगह पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। नोएडा में भी जलभराव की समस्या देखने को मिली। गाजियाबाद में नगर आयुक्त के घर भरा पानी। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जलमग्न हुई है। रास्ते और पहियों तक पानी भरा पड़ा है। गाड़ी की पहिए डूब गए हैं इस जलभराव में। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक और तो और दिल्ली के कई जगहों पर भी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश आज हुई सुबह, जिसके बाद एक घंटे की बारिश ने नोएडा एनसीआर, या फिर हम कहें गुड़गांव, दिल्ली या उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। नोएडा में जलभराव में फंसे कई वाहन, और अब इन तस्वीरों में आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक घंटे की बारिश ने प्रशासन, या फिर हम कहें नगर पालिका की पोल खोल कर रखी है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां दोनों में एक तरफ नोएडा की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ गाजियाबाद की तस्वीर है, जहां दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। जलमग्न हुए पड़े हैं सारे रोड्स, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड्स अब तालाब में तब्दील हो गए हैं। तो पानी में डूबे वाहन आप देख सकते हैं कि आधा आधा फीट पानी भरा पड़ा है रोड पर, और गाजियाबाद में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। लोगों के घर में पानी घुस गया है, नगर आयुक्त के घर में भी भरा पानी, और आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक घंटे की बारिश, महज एक घंटे की बारिश ने किस तरीके से नोएडा और एनसीआर तमाम जगहों पर, गाजियाबाद या दिल्ली, हर जगह पर जो चित्र है दिल्ली एनसीआर की, उसकी काया पलट करके रखती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।